आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स। ओके, तो देखो बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है। तो बिजनेस का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कॉर्पोरेट, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब एनालिटिक्स का भी आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये एक स्टैटिकल टर्म है। आप ऐसे नॉर्मली आप ऐसे समझो कि एनालिटिक्स का मतलब स्टैटिकल टर्म। ओके, तो बिजनेस में और स्टैटिकल टर्म जब हम लोग ऐड कर देते हैं, स्टैटिकल टर्म जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है ना। ये हमारा बन जाता है बिजनेस एनालिटिक्स। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स मेनली क्या होता है। तो देखो सपोज करो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। आप एग्जाम्पल लो फ्लिपकार्ट का, है ना। तो फ्लिपकार्ट का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा कि फ्लिपकार्ट ने डेटा मांगा, डेटा को कलेक्ट किया, पहले डेटा कलेक्ट किया किस पर्पज से, तो बिजनेस के पर्पज से। उसने ये कहा कि भाई जो हमारे यंगस्टर एज के जो 20 to 30 एज के जो है हमारे जो यूथ है, है ना, 20 to 30 एज है जिनका, उनकी मुझे सारी डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस टाइप के क्लॉथिंग वो पहनते हैं, है ना, ठीक है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उन सब की डेटा मुझे चाहिए। तो वो डेटा वो अब क्या करेगा कि उससे एनालिसिस करेगा, है ना। अब उस एनालिसिस से वो क्या करेगा कि मीनिंगफुल इंसाइट्स को क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा, है ना।